हेलो एवरीवन, एमयू 11th एंट्रेंस का पेपर 24th जुलाई को है, तो अब सिर्फ एक दिन और रह गया है एमयू 11th एंट्रेंस के लिए। तो क्या करना चाहिए एमयू 11th एंट्रेंस के पेपर में और किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कितना मार्क्स आपको सोच करके चलना है कि कितना मार्क्स आप अटेम्प्ट करें तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो स्टूडेंट, जैसे ही पेपर हो जाएगा आपका, मैं आंसर की लेकर के 2 से 3 घंटे के अंदर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि एमयू का ऑफिशियल आंसर की अबाउट टू बी 2 दिन बाद आता है। लेकिन मैं जैसे ही पेपर आपका हो जाएगा, 2 से 3 घंटे के बाद पेपर मेरे पास जैसे ही आ जाएगा, उसका आंसर की बना करके मैं आपको इस चैनल के थ्रू आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो पहले क्या करना है आपको, जैसे ही पेपर मिल जाता है आपको क्या करना है, आपको ये सोचना है दिमाग में कि एटलीस्ट 70 मार्क्स आपको स्कोर करना है। दिमाग में ये लेकर के चलना है, क्योंकि जो कट ऑफ जाता है वो 55 प्लस जाता है, ठीक है, साइंस के लिए अगर हम बात करें। और आर्ट्स का भी इतना ही मान सकते हैं, 1-2 मार्क्स कम होता है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 55 मार्क्स मान लो कट ऑफ जाता है। एग्जैक्ट मैं बात कर रहा हूँ 55, ठीक है, 1-2 मार्क्स थोड़ा बहुत कम भी रहता है, एक्सटर्नल के लिए बात कर रहा हूँ। इंटरनल के लिए तो अराउंड 40 मार्क्स है, ठीक है, 15 मार्क्स कम हो जाता है। लेकिन अब जो है क्या करना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल आपको अगर 60 मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है, तो 60 अगर आप सोच करके पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आप 50 के नीचे चले आएंगे, ठीक है। इस वजह से आपको क्या करना है कि कम से कम 70 मार्क्स, कम से कम, मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ कि मिनिमम 70 मार्क्स सोच करके पेपर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि अगर और जो अच्छे स्टूडेंट हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी है और जो रैंक लाने वाले हैं, वो तो भाई उनकी बात ही अलग होती है, ठीक है, वो तो अपना सोच करके चलते हैं कि उनको 90 और 95 मार्क्स स्कोर करना है, ठीक है। लेकिन क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि साइंस का पेपर, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, साइंस, मैथ, जीके, इंडो इस्लामिक, सब कुछ बहुत अच्छी है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, साइंस का पेपर थोड़ा सा पहले अटेम्प्ट करना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स में आप अगर कैलकुलेशन में अगर आपका टाइम किल हो गया तो बाद में आप साइंस में आप उतना इफेक्टिव टाइम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, और आप जल्दबाजी में साइंस में गलत कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि साइंस में आप जल्दी कर सकते हैं तो फिर आप साइंस का पेपर अटेम्प्ट करें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करें तो आप जा सकते हैं, बट मेरे अकॉर्डिंग साइंस का पेपर अगर करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। साइंस का पेपर अटेम्प्ट करें और एटलीस्ट कोशिश करें कि कम से कम 45 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट करें ही, ठीक है, ताकि आप उसमें 35-40 नंबर जरूर ले आए साइंस के पेपर में, क्योंकि अगर साइंस के पेपर में 35-40 नंबर आ जाता है तो फिर आपके लिए सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है, ठीक है। अगर 35 नंबर आ गए और मैथ्स में जो है आपने 15-20 नंबर भी ले लिया तो 35 और 15 कितने हो गए, 50, और 10 मार्क्स जीके और इंट, तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, अगर आप 35 मार्क्स ले आते हैं तो, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 45 मार्क्स तो आपको कोशिश ही करनी है कि साइंस में हो जाए, क्योंकि जब आप 45 मार्क्स सोचेंगे तो 35 से 40 मार्क्स के बीच में आप आ जाएंगे, कुछ तो गलती होगी ही होगी, ठीक है। ऐसे ही आपको मैथ्स में करना है कि एटलीस्ट आपको कोशिश ये करनी है कि 20 मार्क्स तो आपको लेना ही लेना है मैथ्स से, ठीक है, तो आपको कम से कम 20 से 25 के बीच में, मार्क्स के बीच में आप कोशिश करें कि आप उतने मार्क्स लाने की कोशिश करें, ताकि आप जब उतना कोशिश करेंगे तो 2-3 क्वेश्चन गलत होगा तो फिर आप 15 से 25 के बीच में आप आकर के रुक जाएंगे, ठीक है। तो अगर वहां पर आप 35 और 45 मार्क्स के बीच में रुकते हैं साइंस में, तो मिनिमम 35 मान लिया जाए और मैथ्स में मिनिमम 15 मान लिया जाए, कितने हो गए, 35 और 15 50, और जीके और इंडो में 10, तो 60 नंबर आ गए, आपके सिलेक्शन क्या हो गया, फिक्स, डन हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले साइंस का पेपर अच्छे से सॉल्व करना है, देन आपको मैथ्स या जीके इंडो में जाना है, या फिर पहले जीके इंडो में चले जाएं तब मैथ्स में जा सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ये टाइम देखते हुए चलना है कि आप टाइम कितना कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप साइंस और जीके और इंडो में 1.5 आवर चला गया, ठीक है, और उसके बाद आपके पास बचे सिर्फ 30 मिनट्स में मैथ्स, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करनी है कि 1 घंटे के अंदर साइंस और जीके और इंडो, 1 घंटे या 1.25 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 1.25 घंटे, इसके अंदर आपको जीके और साइंस बहुत खत्म कर देनी है। मैथ्स के लिए आपको सिर्फ, अगर 45 मिनट आप मैथ में नहीं दे रहे हैं तो फिर आप नहीं कर पाएंगे मैथ्स को, ठीक है। तो आपको ये टाइम साइंस से बचाना है, साइंस से बचा करके मैथ्स में देना है टाइम, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि कल के दिन जो आपका बचा हुआ है उस दिन आप कम से कम कोशिश करें कि 2 से 3 पेपर जरूर सॉल्व करें, पेपर सॉल्व करके ओएमआर शीट ले लें, उसमें फिल करके देखें आपसे गलती तो नहीं हो रही है। और क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट जो नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं वो मिस्टेक की वजह से नहीं सेलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपने गलती बचा ली और आपने जो गलती आप रूम पे कर रहे हैं, ठीक है, वो आप एग्ज़ाम में नहीं किए तो फिर आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको कोशिश करें कि कल का जो दिन है 2 से 3 पेपर सॉल्व करें एटलीस्ट, और उसमें आप देखें कि कहाँ पर आपसे मिस्टेक हो रही है,
ठीक है स्टूडेंट्स, और जैसे ही पेपर का पेपर आ जाता है हमारे पास, हम उसका आंसर की प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।